जिसकी विरासत मजबूत है उसे ही बोकारो की विरासत मिली है। जी हाँ, सही सुना आपने, हम बोकारो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के घर पर और उनकी विरासत में मौजूद है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 5 तारीख को एक कार्यक्रम की घोषणा की है, जिस कार्यक्रम का नाम है चलो गांव की ओर। इस कार्यक्रम की घोषणा के बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक चर्चा थी कि गांव की ओर चलना है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि बोकारो जिले में पार्टी सबसे पहले गांव की ओर चलने से पहले ही गाँव के उस शख्स को जिला अध्यक्ष बना देगी जिसकी चर्चाएं मात्र से ही गाँव में खुशियाँ दौड़ गई है। हम उस जगह पर मौजूद हैं जिस जगह से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए सेनापति की चुना है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जयदेव राय जी हैं। पहले आपको ढेर सारी बधाई कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने बोकारो जिला का सेनापति बनाया है। धन्यवाद। और मैं भी आपको बहुत बहुत बधाई, जो आपके गाँव चल के आए हैं इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। अक्सर जयदेव राय की जब भी चर्चा बोकारो जिले में होती है तो लोग सोचते हैं कि गांव से आने वाला एक शख्स है, लेकिन आज जयदेव राय के जब विरासत में हम पहुंचे हैं तो यहां आने के बाद पता चला कि जयदेव राय की एक लंबी चौड़ी विरासत है जहां पर ढेर सारे खलिहान हैं लगे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपने छुपा के रखी थी अभी तक? देखिये, हम लोग किसान का बेटा है, मैं पहले भी बताता कि हम लोग किसान के बेटा है और हम लोग खेती से ही हम लोग का चलता है। हम लोग किसान के बेटा हैं, इसीलिए कि किसान के बारे में माननीय मोदी जी बहुत बारे सोचते हैं, किसान के बारे में बहुत सोचे हैं, मैं इसी के लिए मोदी जी को भी बहुत। अच्छा, जयदेव राय जी का नाम जैसे ही जिला अध्यक्ष के लिए आया, लोगों को चर्चाएं हैं क्योंकि दो नाम आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता है, एक नाम अमर बावरी का और दूसरा समरेश सिंह का, और बाबूलाल से भी आपकी नजदीकियां हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन जयदेव राय को कोई नहीं जानता है। तो दर्शक आज जानना चाहते हैं कि जयदेव राय का ये जो सफर है आई है। देखिये हिमांशु जी, हम लोग बीजेपी के 84 के सदस्य, बीच में हम लोग फिर दादा के साथ चले गए, उसके बाद फिर बीजेपी में आए। बीजेपी में हम युवा मोर्चा के 2000 में जिला महामंत्री थे, उसके बाद 2006 में बाबूलाल जी ने पार्टी बनाई झारखंड विकास मोर्चा, उसमें हम लोग पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने, फिर जिले के महामंत्री बने, फिर जिले के अध्यक्ष बने, उसके बाद फिर हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए तो प्रथम बार हम प्रदेश कार्य समिति सदस्य बने, फिर हम जिले के महामंत्री बने और आज कल घोषणा हुई मैं जिला अध्यक्ष बना। मैं इसके लिए सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व माननीय बाबूलाल मरांडी जी, करमवीर जी, विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी जी, माननीय सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी, माननीय विधायक बिरिंची नारायण जी, माननीय पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे जी, आपके पूर्व विधायक बाटुल महतो जी को बधाई देता हूं, साथ ही जितने अग्रज जिला अध्यक्ष हैं उनको बधाई देता हूं जिनके सहयोग से मैं आज जिला अध्यक्ष बना। और मैं सभी लोग को लेके, पुराने नए छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता को लेके जिला चलाने का कोशिश करूँ। अच्छा राय साहब, क्योंकि आपको अच्छा अनुभव भी है, जब भी जिला अध्यक्ष की घोषणा होती है उसके बाद खूब चर्चाएं होती है कि जिला अध्यक्ष इसकी गोदी में बैठ गया, जिला अध्यक्ष उसकी गोदी में बैठ गया, जिला अध्यक्ष संगठन को इस विधानसभा से चला रहा है, इस बड़े नेता के दिशा निर्देश पे चल रहा है, तो जयदेव राय इस बार किसके दिशा निर्देश पे चलेंगे? देखिए, मैं सभी पार्टी के नेता और सभी कार्यकर्ताओं के दिशा निर्देश में चलना चाहूँ। जितने कार्यकर्ता हैं, जितने हमारे अग्रज हैं, सभी विधायक हैं, सभी सांसद हैं माननीय, और पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, सबको लेके मैं चलना कोशिश करूंगा। बनाने की चर्चा होती है, खूब चर्चा होती है, लंबी लॉबिंग होती है, लोग हाथ पैर खूब मारते हैं और अपने जिला अध्यक्ष को मना के कहीं ना कहीं जगह बना ही लेते हैं, क्योंकि आप
खुद गांव से आते हैं और आपने इतनी लंबा जर्नी तय किया है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जिला कमेटी में कैसे लोगों को चांस मिलना चाहिए और किन्हें आप चांस देंगे? देखिए, विशुद्ध रूप से जो काम करने वाले लोग हैं वो जिला में आएंगे। जितने काम करने वाले हैं, मैं एक एक कार्यकर्ता को, पूरे जिले के एक एक कार्यकर्ता को जानता हूँ और जानता हूँ सब कार्यकर्ता, जो काम करने वाले कार्यकर्ता है सब लोग आके कमेटी बनाएंगे और सभी मिलजुल के चलाएंगे। तो चापलूसी करने वाले लोगों को जगह नहीं मिले? ऐसा बात लोग नहीं है, सब अच्छे कार्यकर्ता है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार बोकारो जिले में आपकी स्थिति अच्छी खासी नहीं है, हर एक विधानसभा में आवाम बहुत नाराज है, कैसे मनाएंगे? देखिए, खैर आप लोग का कहना है, लेकिन मैं तो देखता हूँ कि पूरे जिले में बहुत अच्छी हमारी उपस्थिति है और इस बार आपके दोनों लोकसभा जीतेंगे, जो पहले भी जीते हैं इस बार भी जीतेंगे। और बोकारो जिले के 4.5 विधानसभा पड़ता है, ऐसे 4 विधानसभा, आधा आपका डुमरी पड़ता है, इस टोटल सीट हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन जीतेंगे। बाबूलाल को कितना धन्यवाद करना चाहेंगे, पुराने संबंध को उन्होंने कायम रखा है? देखिए, बाबूलाल जी के साथ साथ पूरे भाजपा के, पूरे भाजपा के नेता को मैं बधाई देता हूँ और चाहूँगा कि आगे चल के जितना जो भी बनाए हैं उस पर खरा उतरने का कोशिश करूँगा, जिलाध्यक्ष जो बनाए खरा उतरने की कोशिश करूँगा। तो सुना ना आपने, ये जयदेव राय हैं जिन्होंने अपनी बातों को रखने का प्रयास किया और साफ तौर पे कहा है कि इस बार लॉबिंग करने वाले लोगों के साथ नहीं, हम लोग किसी के कहने पे पार्टी नहीं चलाएंगे।